चुनाव जीतना है तो मैं गारंटी दे सकता हूं इंशाल्लाह चुनाव 100% जीतने का काम करेंगे, 100% जीतने का काम करेंगे। समीकरण हो, कोई मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपको सब समझ में आ रहे हैं, समीकरण बिल्कुल क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी को मैं एक बात और कह दूं कि लोग ये कहेंगे कि साहब चुनाव हमारा कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी का जो हरवे है, जो उनके नए नए ड्रामे करते हैं उनसे बड़ा डर लगता है, लोग कब कौन सा नया चमत्कार कर दे। आज की डेट में भाजपा फाइट में नहीं है, आज की डेट में हमारा मुकाबला भाजपा के साथ नहीं है, हमारा मुकाबला बसपा के साथ भी नहीं है। आपको ताज्जुब होगा जो बात मैं बोल रहा हूं, आज की डेट में नकुर सीट के ऊपर हमारा मुकाबला समाजवादी पार्टी के साथ है, इनसे मुकाबला ही नहीं है, लेकिन इनसे डर लगता है कि ये पता नहीं कब क्या खेल खेलेंगे, इनका पता ही नहीं चलता है कौन सा खेल कहां से निकाल लाएंगे, रात रात के अंदर कर देंगे। उन्होंने ये चमत्कार हुआ रात रात के अंदर, साहब सही कह रहा हूं मैं प्रधान जी वर्मा जी, मैंने कल फोन किया था आपको, ये पूरी बैच आगे के जिम्मे है, पीछे की नीचे सारे के सारे ये बैठे तुम दिख रही थे मिलोगे धरती हो। तो मेरा सब साथियों से ये आग्रह है, अध्यक्ष जी हमारे आगे श्री वालिया जी, शशि वालिया जी चार्ट बना रहे हैं पूरा का पूरा, और मेरी एक ये ख्वाहिश होगी कि आप लोग अभी चुनाव में लगेंगे चुनाव करेंगे, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश होगी कि आप लोग इस तरह का सिस्टम डेवलप कर लें कि जो अफवाहों के दौर का टाइम है ना, जो अफवाहों के दौर का आखिरी वक्त है, उस आखिरी वक्त के अंदर एक एक गांव पकड़ लेना कि उस अफवाहों पे विराम लग सके। इस मरतबा मेरे साथ अफवाहों के खेल में सबसे ज्यादा हुआ, आखिरी वक्त में पर्चे बढ़ गए, पर्चे बढ़ गए, पर्चे बढ़ रहे सब जगह, अब के नहीं बटेंगे पर्चे, अब की जिम्मेदारी आपकी, हमने लगा दिए वहां के पर्चे नहीं बट पाएगा कोई भी, और जो बांटेगा उसका इलाज वही होगा। हमारे भी लोग चौक चौबंद रहेंगे, पिछली बार हमने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि हम मंदिर मस्जिद के इस्तेमाल के बहुत खिलाफ है, मैंने आज तक जिंदगी में कभी मस्जिद का इस्तेमाल सियासत के लिए नहीं किया, लेकिन इस बार मेरे खिलाफ मस्जिद का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब नहीं होने देंगे, हम भी नहीं होने देंगे, हमारे खिलाफ हुआ अलग बात है लेकिन हम नहीं होने देंगे, ना हमने कभी किया ना करने देंगे किसी को। लेकिन मेरी सबसे जो आखिरी दौर का टाइम होगा उस टाइम पे जरूरी है कि आप सब लोग जो आप, या तो हम पूछ लेंगे आपसे, अध्यक्ष जी भी आपको देंगे कि हम किस तरह से, क्योंकि हम चाहते हैं कि गांव गांव बांट करके जिम्मेदारियों को बड़ा ना किया जाए, छोटा कर दिया जाए। कार्यकर्ताओं की हमारे पास कमी नहीं, कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, आप जहां जहां जाएंगे आपकी तमाम जगह रिश्तेदारी है, अपनी जिम्मेदारी आप खुद लगा लें और मुझे भी टेलीफोन करके बता दें, मैं फला गांव के अंदर रहूंगा तो मैं ये निश्चिंत हो जाऊंगा कि ये गांव मेरे फला साथी के पास है और मैं आपसे खुद उसका फीडबैक ले लूं, चाहे वो हिंदू की भाइयों का हो चाहे मुसलमानों का हो, या मेरे सब साथी बैठे हुए, मतलब हिंदू मुसलमान की बात नहीं, जिस गांव में जिसका जो असर है वो टेलीफोन करके मुझे बता दे कि मैं फला जगह रहूंगा जी, और फला जगह का रिजल्ट आप उठा करके देख लेना, पिछली बार आपको इस गांव में इतने वोट मिले थे, अब के इतने प्लस मैंने करने का कोशिश की है और ये प्लस हो गए, तो इंशाल्लाह क्योंकि ये काम होगा दिल से, ये जिम्मेदारी देने से नहीं होगा, ये जिम्मेदारी अपने आप को ओढ़नी पड़ेगी, हमें सबको ओढ़नी पड़ेगी। हो सकता है मुझसे कोई गलती हुई हो, मुझसे किसी साथी को कोई नाराज की हो, मैं कोई फरिश्ता तो नहीं, मैं भी इंसान हूं, गलतियां मुझसे भी होंगी, लेकिन मैं तमाम तरह गलतियों के लिए आपसे माफी मांगते हुए यह आश्वासन जरूर दे सकता हूं कि गलती मैंने जानबूझकर नहीं की होगी, गलती अनजान में हो गई हो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, और मैं सब साथियों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि अब सब लोग हम लोग खाना खाएंगे, सामने खाना लगा हुआ है, सब लोग खाना खा करके यहां से विदा लेंगे, और आज अष्टमी थी, अष्टमी का पूजन हो गया और परसों वह दशमी है, इंशाल्लाह सत्य की विजय होगी, सच्चाई की जीत होगी, झूठों का नाश होगा, यही कामना ईश्वर से हम लोग करते हैं कि हम लोग सब लोग यहां से, भाई आज प्रेस का कोई काम नहीं है मेरे भाई, धन्यवाद, ना 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 कोई काम नहीं, आप सारा खाना गाँव